नमस्कार, मैं हूं दिबांग। बड़ी और अच्छी खबर, भारत में कोविड 19 के खिलाफ दो वैक्सीन्स को मिली इमरजेंसी यूज परमिशन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और आईसीएमआर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी अनुमति। अब बड़ा सवाल, कब, कैसे और कहां आम लोगों को मिलेगी ये वैक्सीन? 3 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी, कौन हैं वो लोग? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को परमिशन पर क्या कहा? आज विशेष अनकट। भारत दो वैक्सीन को एक साथ परमिशन देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को बहुत मजबूती मिलेगी। 2 और वैक्सीन हैं जिनको परमिशन दी जा सकती है। ये हैं फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन, जिसको यूरोप और अमेरिका में हरी झंडी मिल चुकी है, और रूस की स्पुतनिक वी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की वैक्सीन का भारत में तीसरे दौर का ट्रायल हो चुका है और ब्रिटेन में इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल चुका है, जबकि भारत बायोटेक की वैक्सीन का तीसरे दौर का ट्रायल अभी चल रहा है। कोवैक्सीन की एफिकेसी यानी कारगरता पर अभी आंकड़ा नहीं आया है। डीसीजीआई डॉक्टर वीजी सोमानी ने कहा कि ट्रायल में 22,500 लोगों को कोवैक्सीन दी गई और इसे सुरक्षित पाया गया। बड़ी खबर है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सोमानी ने सवालों के जवाब नहीं दिए। यहां यह समझना जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी से ही रिलायबिलिटी बनती है और विश्वसनीयता वैक्सीन के मामले में बहुत जरूरी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को परमिशन मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में ट्वीट किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि डीसीजीआई की मंजूरी से स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स को शुभकामनाएं, देशवासियों को बधाई। विपरीत परिस्थितियों में असाधारण सेवा भाव के लिए हम डॉक्टरों, मेडिकल प्रोफेशनल्स, वैज्ञानिकों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों और सभी कोरोना वॉरियर्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। देशवासियों का जीवन बचाने के लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। अब बड़ा सवाल, अब कितने दिनों में मिलेगी वैक्सीन? अक्सर डीसीजीआई की परमिशन के बाद स्टेट ड्रग कंट्रोलर से परमिशन ली जाती है, लेकिन चूंकि ये इमरजेंसी यूज परमिशन है, संभव है कि उसकी जरूरत न पड़े। एक और बड़ी बात, सीरम इंस्टीट्यूट को सरकार ने अब तक वैक्सीन खरीदने का कोई ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन डीसीजीआई की परमिशन के बाद सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन निर्यात कर सकेगा। उसे गावी से 20 करोड़ वैक्सीन के अलावा 8 देशों से वैक्सीन के ऑर्डर मिल चुके हैं। 3 करोड़ लोगों को मुफ्त में लगेगी वैक्सीन। पहले समझते हैं कौन हैं ये लोग। इनमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स हैं, यानी स्वास्थ्य कर्मी, अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और नर्स से लेकर। इसमें शामिल होंगे ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और सफाई कर्मचारी, और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड्स, केंद्र और राज्य सरकारों के पुलिस कर्मचारी, होमगार्ड, जेल स्टाफ, म्यूनिसिपल कर्मचारी शामिल होंगे। बड़ा सवाल है कि आखिर वैक्सीन लगेगी कैसे? क्या इसको लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा? जवाब है हां। कहां और कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? टीकाकरण में मदद करेगा कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क या कोविन। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन है। इसके लिए www.cowin.gov.in पर जाना होगा या मुफ्त में ऐप डाउनलोड करना होगा। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाम इसमें बल्क में चढ़ाकर उन्हें रजिस्टर किया जाएगा। इसके अलावा आम लोग नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता और बीमारियां लिखकर खुद को रजिस्टर कर सकेंगे। फोटो के साथ उनको पहचान के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मनरेगा कार्ड या वोटर आईडी जैसे 13 पहचान पत्रों में से एक देना होगा। फिर जिला प्रशासन रजिस्टर हुए लोगों को
वैक्सीन लगवाने की तारीख, समय और एड्रेस बताएगा। ध्यान रहे, पहले से रजिस्टर किए लोगों को ही टीका लगेगा। इस बारे में लगातार मेरी नजर बनी हुई है। आप चाहें तो अपना कमेंट, अपना संदेश जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। भाषा में संयम रखें, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, उनके जवाब भी देता हूं, वो भी देखेगा। आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं, मेरा हैंडल है @dibang, DIBANG। धन्यवाद।